अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। और आज हम बना रहे हैं दूधी यानी कि लौकी का हलवा, जो कि आज मैं बना रही हूँ, जो हम शादियों में खाते हैं उस तरीके का। तो ये जुम्मा स्पेशल है, आप जुम्मा के दिन अगर आपके यहाँ कुछ मीठा बनता है तो आप ये हलवा बना सकते हो। इसमें हम बिल्कुल भी घी नहीं डालेंगे। और ये दूधी जो मैंने ली है ये छोटी साइज़ की है, आप ज़्यादा बड़ी बीज वाली दूधी ना ले तो ये छोटी ही ले, ताकि इसके बीज छोटे होते हैं। और ये करीब मैंने 1 किलो दूधी ली है, ये देखिए। तो मेरे पास ये 2 है, ये देख सकते हो आप लोग। और बस ये ऐसी ही चाहिए हमें, वो ज़्यादा मोटी नहीं। और अभी मैं इनको छील लूँगी अच्छे से, ये देख सकते हो आप। आपके पास आलू कटर हो उससे आप इस तरीके से छील ले अच्छे से। तो पहले मैं इसे छील लेती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो मैं दोनों लौकी को छील लूँगी और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये मैंने इसको छील के काट लिया है। और मेरे पास एक छोटी दूधी और रखी थी तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर ली। तो देखिए मैं इसको अच्छे से पानी से धो रही हूँ। पानी से धोने का रीज़न ये है कि जो हम जब दूधी को हम ग्रेट करते हैं ना तो ब्लैक हो जाती है। तो इसे अच्छे से हाथों से मसल मसल के इसको धो ले पानी में, तो जो भी ब्लैकनेस है वो पानी में निकल जाएगी, हट जाएगी। तो ये देख सकते हो मैं अच्छे से इसे वॉश कर रही हूँ, इसे हाथों में पकड़ के इसे ऐसे वॉश कर ले अच्छे से। और इसे मैं अभी ग्रेट कर लूँगी। ये सभी दूधी के टुकड़े जो है मैंने अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, ये देखिए। तो टोटल मेरे पास 6 पीस हो चुके हैं, ये देखिए। और इसके अंदर बीज भी नहीं है, जैसा मैंने आपको आगे अभी बताया, इसमें बीज बहुत ही कम आता है, ये देखिए। अब इसको हम ग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये देखिए आलू जिससे हम खोपरा वगैरह घिसते हैं ये वही है। तो इस तरीके से मैं इससे सभी दूधी को ग्रेट कर लूँगी, ये देखिए। आपके पास जो भी है आप उसमें ये कर सकते हो, ग्रेट कर सकते हो, मेरे पास ये है। तो मैं, और ना आप इससे ज़्यादा पतला वाला ले ना इससे आप मोटा, ये मीडियम वाला मेरे पास खोपरा ग्रेटर है, तो मैं इसी से सब दूधी ग्रेट कर लूँगी। तो देख सकते हो आप, ये देखिए मैंने यहाँ पर दूधी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए। तो ये सारी दूधी अब मैं ना इसके अंदर डाल दूँगी। तभी मैंने इसको गैस पे नहीं रखा है, मैं नीचे ही इसको, और आप लोग देख सकते हो ये ब्लैक भी नहीं हुआ है। तो जो एक पहले मैंने लौकी ग्रेट की है और इससे मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दी, और अभी इसको फौरन ही मैं पकने के लिए रख दूँगी साइड पर। और ये देखिए ये वाली दूधी जो है, अभी मैंने इसको ग्रेट नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ एक ही दूधी को ग्रेट किया है और इसको मैं फौरन गैस पे भी रख दूँगी। तो इससे भी क्या होगा ना कि आप अगर ऐसा करोगे तो इससे भी आप अपनी लौकी को ब्लैक होने से बचा सकते हो, यानी कि फौरन ही आपको एक लौकी को ग्रेट करना है और फौरन इसे कढ़ाई में डाल के गैस पे चढ़ा देना है, जब से आप दूसरी वाली गोभी दूधी को ग्रेट कर सकते हो। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे शक्कर, जितनी मैंने दूधी ली है तो उसका मतलब ये एक किलो दूधी है, तो मैंने इसके अंदर 1.25 किलो यानी कि 25 ग्राम के करीब मैंने इसमें शक्कर ऐड की है। आप मिठास अपने हिसाब से रख सकते हो कम ज़्यादा, लेकिन इतनी इनफ है मेरे हिसाब से, इससे काफ़ी अच्छा मीठा हलवा हो जाएगा आपका। तो देखिए सब मैं अच्छे से पकने दूंगी, इसका पानी पूरी तरीके से, जो शक्कर पानी छोड़ेगी, दूधी पानी छोड़ेगी, तो इसको हमको अच्छे से सुखाना है। तो भी मैं इसको ढक कर ना कम से कम 20 मिनट तक के ऐसे ही इसको पकने दूंगी, ताकि दूधी भी इसके अंदर गल जाए। और अभी देखिए शक्कर ने जो है ना पानी छोड़ दिया है, ये देख सकते हो कितना पानी इसके अंदर हो गया। और कलर बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला है, दूधी का खुद का एक नेचुरल जो कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर इसका निकल कर आया है, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए अभी मैं चम्मच से इसे और गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है, और अभी मैं इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा पानी रह गया है तो इसे भी थोड़ा हम लोग पका लेंगे, इसको भी थोड़ा ड्राई कर लेंगे पानी को भी। तो अभी मैं इसके अंदर ना 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ये देखिए। तो 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इलायची पाउडर के साथ में, ये देख सकते हो आप लोग। इलायची पाउडर से इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। बहुत से लोग इसमें एसियंस भी डालते हैं, लेकिन मुझे एसियंस वाला फ्लेवर नहीं पसंद है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। मेरे पास में बादाम, पिस्ता, काजू ये सब है, तो मैं
उसके अंदर ये सब डाल दे रही हूँ। आपको अगर किशमिश पसंद है तो किशमिश डाल सकते हो, मेरे वहाँ किसी को किशमिश नहीं पसंद तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। तो मैंने ये जो भी ड्राई फ्रूट थे वो सब इसके अंदर डाल दिए है, ये देखिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसके अंदर ना 2 कटोरी दूध डालूंगी, ये देखिए। अब ये एक कटोरी मैंने दूध डाल दिया है, अब दूसरी कटोरी भी मैं, तो 2 कटोरी दूध डाले इसके अंदर। दूध से क्या होगा, इसमें एक क्रीमी टेक्सचर आता है दूध से और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, ये सॉफ्ट हो जाएगा एकदम, ये देखिए। और अब ये मेरे पास मावा रखा हुआ है, खोया जिसको बोलते हैं, तो ये मैंने करीब इसके अंदर डाला है 300 ग्राम। आप चाहो तो 250-200 ग्राम भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास रखा था तो वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर। तो ये 300 ग्राम है और इसके अंदर काफ़ी गुठलियाँ हैं, तो ये अपने आप ही अंदर मेल्ट हो जाएगी। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, तो देखिए मैं इसे पका, मिक्स करते करते ही इसके अंदर जो मावा था वो मेल्ट हो चुका है, ये देख सकते हो आप लोग। और देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी, और हमारे घर में ऐसा ही हलवा पसंद किया जाता है, जो ड्राई हलवा होता है वो किसी को पसंद नहीं आता, बस इस तरीके का हलवा मेरे घर में बच्चे, मेरे शोहर बहुत पसंद करते हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, और इसमें मैंने 1 चम्मच भी घी नहीं डाला है बिल्कुल भी, इसमें घी मैंने बिना घी के ही ये बनाया है हलवा। और अभी मैं आपको एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ, तो ये देखिए ये मैंने बाउल लिया है, और अभी इसके अंदर हम हलवा सर्व कर लेंगे। तो ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा और कितना यम्मी दिख रहा है। तो अब ये खाने के लिए तैयार है, और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। और ये अभी मैं इसके ऊपर पिस्ते से गार्निश कर दूँगी, ये देख सकते हो आप लोग। तो ये कितना टेस्टी और कितना यम्मी लग रहा है, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में, अस्सलाम वालेकुम।